हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए सिलेबस लेके आई हूँ एलकेजी क्लास, या फिर आप उसे नर्सरी भी बोल सकते हैं। कुछ स्कूल्स में उन्हें उसे नर्सरी क्लास भी बोल देते हैं और एलकेजी भी। ये अप्रैल का सिलेबस है 2024 से 25। तो हम इस सिलेबस को वीकली भी डिवाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इस पूरे सिलेबस को वीकली कैसे डिवाइड कर सकते हो और अपने चाइल्ड को करा सकते हो। हम इसमें बच्चों को इन आउट और हॉट कोल्ड का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं और उनको इसकी हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। इन इन यानी अंदर, आउट आउट यानी बाहर, हॉट गर्म और कोल्ड ठंडा। हम उनको कोई भी एक कलर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप पिंक, येलो, ग्रीन, जो आपका मन करे आप वो करा सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया हुआ है। फिर हम उन्हें शेप्स करा सकते हैं, कुछ शेप्स जैसे यहाँ पे है सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। फिर हम बच्चों को कुछ वोकैबुलरी भी करा सकते हैं, आप उसमें कोई भी वर्ड अपनी चॉइस से कोई भी वर्ड पिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं थैंक यू। बच्चों को थैंक यू का मतलब भी बताना है, प्लीज, सॉरी, वेलकम, हेल्प, लैंड, वाटर, एयर। आपको बच्चों को साथ साथ इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी बताना है। और अप्रैल मंथ में हमारे पास आती है एक एक्टिविटी अर्थ डे, हमें बच्चों को अर्थ के बारे में बताना है। फिर आता है इंग्लिश, इंग्लिश में हम उनको ओरल कराएंगे ए टू जेड विद फोनिक साउंड, जो कि बच्चा प्री नर्सरी क्लास में सीख चुका होता है। और रिटन में कराएंगे हम उन्हें कैपिटल ए और स्मॉल ए, हम साथ साथ स्मॉल लेटर्स भी लेके चलेंगे, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी और कैपिटल डी, स्मॉल डी। नर्सरी का सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको प्री नर्सरी का भी बताऊंगी, क्योंकि बच्चा प्री नर्सरी क्लास में जो लाइंस होती हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, उनके थ्रू जो अल्फाबेट बनते हैं वो क्लास टीचर उन्हें कराती है, और रेनबो राइटिंग के थ्रू भी कुछ अल्फाबेट्स कराती है जो इजी होते हैं। अब मैथ्स में करेंगे ओरल काउंटिंग 1 to 30 और रिटन में करेंगे हम 1 से लेके 10 तक। ये भी बच्चा प्री नर्सरी क्लास में कर चुका होता है डॉट्स के थ्रू, ट्रेसिंग के थ्रू। हिंदी, हिंदी में कराएंगे ओरल अ से अह तक और रिटन ए आ ई। हम बच्चों से कुछ जनरल क्वेश्चन भी आस्क करेंगे, जैसे व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, प्लीज टेल मी 2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम, और हम उनसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम भी पूछ सकते हैं। अब ईवीएस में क्या होगा, बच्चे को माई सेल्फ आना चाहिए, माई सेल्फ में आप उनको 2-3 लाइंस करा सकते हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम और गुड हैबिट करा सकते हो उनको, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, उसका हिंदी मीनिंग आपको बच्चे को जरूर बताना है, और कुछ पर्सनल हाइजीन पे भी बता सकते हो, लाइक ट्रिम योर नेल्स। मैं आपको इस अप्रैल सिलेबस को डिवाइड करके दिखाऊंगी 4 वीक्स में, आप इसको इजीली बच्चे को करा सकते हो, ना बच्चे के ऊपर बर्डन होगा ना आपके ऊपर होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।